हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं जो है ना आपको दो रीज़न ये बता देता हूँ स्लो चार्जिंग होती है हमारी। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए हमेशा जो है अपने मोबाइल फ़ोन का साथ वाला ओरिजिनल चार्जर आपको यूज़ करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, तो उससे जो है स्लो चार्ज होता है हमारा फ़ोन। क्योंकि देखिए, हमारा जो है दूसरे फ़ोन का जो चार्जर होता है ना, वो हमारे फ़ोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता इस कारण, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी कि आपको अपने फ़ोन को कभी भी चार्जिंग पे लगा के ना अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग जो है अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी जो है हमारा मोबाइल फ़ोन स्लो चार्ज होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना स्लो चार्ज होता है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा, ठीक है, इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए, हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए, इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करिए, सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो नीचे की साइड चार्जिंग पोर्ट होता है ना, जिसमें आप चार्जर का प्लग कनेक्ट करते हैं, तो आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। क्योंकि देखिए, हम अपने फोन को रेगुलर यूज करते हैं ना, तो उसमें जो है थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी जो है स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। ये आपको एक काम कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जो है ना मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है सबसे नीचे साइड सिस्टम पर टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए ना, सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, तो आपके मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन जो है वो स्लो चार्ज हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।